अली भी अगला सवाल है, जिस तरह हाजी लोग अहराम की हालत में अपने नाखून और बाल नहीं काट सकते यहाँ तक कि कुर्बानी ना हो जाए, क्या ईद कुर्बान की कुर्बानी के लिए कुर्बानी करने वाले का भी यही हुक्म है? हाँ जी, उस दर्जे में तो नहीं है जो अहराम की पाबंदियाँ हैं। अहराम की पाबंदियों में तो आप मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है वो भी कायम नहीं कर सकते, और ना तो ज़रूरी बाल, ना गैर ज़रूरी बाल, ना नाखून या मूछों को तराशना, कुछ भी नहीं कर सकते जितने दिन आपने अहराम पहना हुआ है। हज तमत्तों में तो वो चंद दिन की पाबंदी है, लेकिन हज क़िरान के अंदर तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, मुश्किल वक्त होता है, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है उसमें। तो उसमें आपने यानी इवन ज़ोर से दाढ़ी का खलाल भी नहीं करना कि जिससे बाल टूटे, टूट जाएंगे तो ये नहीं कि दम वाजिब हो जाएगा। दम वाजिब होता है जब बहुत ज़्यादा कोई बाल रिमूव कर दे सर के या दाढ़ी के, वो उखाड़ दे। तो हाजी के लिए तो ये रिस्ट्रिक्शन है अहराम की हालत में, और ये फ़र्ज़ के दर्जे के अंदर है, उसके अहराम की पाबंदियों का हिस्सा है। रहे आम ईद कुर्बान वाले, तो उसके बारे में सही मुस्लिम में ऊपर तले कई अहादीस हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका कुर्बानी का इरादा हो और ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आ जाए उस वक्त से लेके उसका जानवर कुर्बान होने तक, वो अपने जिस्म और खाल से कोई चीज़ रिमूव नहीं कर सकता। और मुस्लिम शरीफ में आगे हदीस में फिर आप इस्लाम ने उसको ब्रीफ़ किया है कि खाल से रिमूव करने से मुराद बाल हैं, जिस्म से रिमूव करने से मुराद नाखून है, ना मूछें पस्त हो सकती हैं, ना शेव कोई कर सकता है, ना दाढ़ी छोटी करवा सकता है, ना ज़ेर नाफ बालों को साफ़ किया जा सकता है। ये सारी पाबंदियाँ आपने करनी, ये सुन्नत है। गैर हाजी के लिए वाजिब नहीं, सुन्नत है, और वो भी उसके लिए जो कुर्बानी कर रहा है। तो ज़ाहिर है कुर्बानी जब वो कर रहा है पूरे घर की तरफ से, तो पूरे घर में जितने बालिग हैं उनको ये पाबंदी से गुज़रना पड़ेगा, उनको ये पाबंदी करनी होगी। इसलिए आप देखते हैं कि जो लोग मूछें बहुत पस्त रखते हैं इन कुर्बानी के दिनों में, हमारी भी एक आध रिकॉर्डिंग तो आई जाती होती है हर साल, तो उसमें मूछें बड़ी होती हैं, लोग नीचे कमेंट्स करते हैं नहीं लगता है मूछें रख ली हैं, मूछें नहीं रखी होती, वो उसकी वजह से बड़ी हो जाती हैं। तो नबी इस्लाम ने इसको मशरू फरमाया, हत्ता कि यहाँ तक आया सुनन निसाई के अंदर, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, सुन नबी दाऊद के अंदर, इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़कत की है कि एक गरीब सहाबी था, उसने कहा या रसूलल्लाह कुर्बानी आई है तो मेरे पास एक ही बकरी है जो दूध देने वाली है, तो आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ। अब वो इतना गरीब था कि उसका सोर्स ऑफ इनकम भी वही बकरी थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, इसको कुर्बान ना करो। तो अब उसको जोश भी था कुर्बानी का, तो आपने फरमाया कि इस तरह करो कि ईद कुर्बान वाले दिन बाकी लोग कुर्बानी कर रहे होंगे तो तुम अपने गैर ज़रूरी बाल और नाखून काट लेना, तो तुम्हें अल्लाह ताला एक मुकम्मल कुर्बानी का सवाब दे देगा। ये एक बहुत बड़ी एक समझ लें अल्लाह की तरफ से हमें नेमत दी गई है। जो लोग कुर्बानी की इस्तेताद नहीं रखते तो वो भी यकम ज़ुल्हिज्जा से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जा तक अपने जिस्म से बाल और नाखून ना काटें, और जैसे ही कुर्बानगाह में पहली कुर्बानी हो उसके बाद वो नाखून और बाल काट लें तो उनको पूरी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। और जो दूसरा हाजी है ना, जो आम कुर्बान करने वाला है, उसका जब तक अपना जानवर कुर्बान नहीं होता वो अपने बाल रिमूव नहीं कर सकता। इसी तरीके से हाजी भी जब तक वो अपना जानवर कुर्बान नहीं करता वो अपने जिस्म के बालों को और नाखूनों को नहीं काट सकता। तो ये यानी इस एतबार से पाबंदी सुन्नत के दर्जे में है। आम जो कुर्बानी ईद की है हाजियों के लिए, ये फ़र्ज़ के दर्जे में है, और वो अगर जानबूझ के बाल रिमूव कर देंगे, एक अच्छा खासा हिस्सा को मूछे मूंड देता है, तो फिर उसे फिर एक दम देना पड़ेगा, यानी एक जानवर हरम की हदूद के अंदर कुर्बान करना पड़ेगा। बाकी एक हाजी ने यूं हाथ फेरा, उसे याद नहीं था, या वो सर पे हाथ ज़ोर से फिर गया और उससे दो चार बाल रिमूव हो गए, तो उसकी वजह से लोग बेचारे उधर भी इतने परेशान फिर रहे होते हैं अहराम वाले के, पता नहीं वो दाढ़ी में ऐसे जा रहे हैं कि हमारी आम प्रैक्टिस तो नहीं है, वो किसी ने यूँ खुजली की तो एक बाल आ गया, वो कहते लो जी दम वाजिब हो गया, दम वाजिब हो गया, दम तेंज हो गया, इधर बम हो गया, उतें तो दम बम भी है ना, जाहिर है एक बकरा देना पै जाएगा। तो ये दम बम उसके लिए बनेगा जिसने यानी मूछें पूरी रिमूव कर दी, या सर के अच्छे खासे बाल शेव ऑफ कर दिए, या मशीन परवा दी, या आधी दाढ़ी मूंड दी, या खत करवा लिया, उसके लिए है। ये जो दो चार बाल हैं वुज़ू के दौरान निकल गए या वैसे हो गए तो उस पर कोई इस तरीके का नहीं है, उसको तो नबी इस्लाम ने कहा कि वो आम छोटा मोटा सदका और खैरात कर ले तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक हो गया जी।